भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए वो माँ बनाता है। बात तो सच है, लेकिन फिर दुनिया में पिता कौन कहलाता है? लकड़ी के तख्ते की जगह खुद की गोद में बिठाकर सलून में बाल कटवाना हो या सुई लगवाते वक्त दर्द का सोच के मेरे से ज्यादा खुद घबराना हो। लाइफ के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कुछ भी करके जो हमारी जिंदगी में कंफर्ट लाता है वो पिता कहलाता है। बड़ा होके उनके जैसा बनने की विश, और इसी बीच अगर कोई कह दे अरे तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखती हो, तो ये सुनकर पगला जाना। जो सबकॉन्शियसली हर बच्चे का उसका पहला आइडल, उसके जिंदगी का सबसे पहला रोल मॉडल बन जाता है, वो पिता कहलाता है। ओपन जीप बोलकर बाइक की टंकी पर बिठाकर जो नानी के घर ले जाता है वो पिता कहलाता है। कुछ सालों साल डब्बा फोन चलाते हुए घर का पहला एंड्रॉइड यूजर मुझे बनाना हो, या मेरे आराम के लिए ट्यूशन आने जाने के लिए मुझे लोन लेकर स्कूटी दिलवाना, जो मेरी शक्ल देख के मेरी जरूरतें समझ जाता है, वो पिता कहलाता है। नुक्कड़ के दर्जी का सिला हुआ 600 का शर्ट पहनकर हमें सिटी मॉल से 6000 का ब्रांडेड जीन्स दिलाता है। खुद टेबल फैन में सोकर हमारे कंफर्ट के लिए कमरे में जो एसी लगवाता है, वो पिता कहलाता है। घर से जब जा रही थी पहली बार, माँ का रो रो कर था बहुत बुरा हाल। पापा बिल्कुल शांत दिखे, बस हाथ में था एक भीगा रुमाल। जाते वक्त कहीं कमजोर न पड़ जाए हम, ये सोच के सामने से अनअफेक्टेड लुक देके जो पीठ पीछे अपने बच्चों को अपने आंखों से बहाता है, वो पिता कहलाता है। जो विदाउट फेल हर सुबह व्हाट्सएप पर मुझे मोटिवेशन वाले कोट्स फॉरवर्ड किए जाता है, वो पिता कहलाता है। फोन पे मेरे सिर्फ हेलो बोलने की टोन से जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स समझ जाता है, वो पिता कहलाता है। अपनी सलाह से जो हमारी जिंदगी में कंफर्ट लाता है, वो पिता कहलाता है। जो सैक्रिफाइस, पेशेंस और सेल्फलेसनेस जैसे वर्ड्स को जस्टिफाई करता है, वो पिता कहलाता है। पापा, पत्ते बिना पेड़ का होना, पहिए बिना गाड़ी का चलना, बादल बिना बारिश का होना, बिन स्याही कलम का चलना, शायद शायद मुमकिन हो भी जाए, लेकिन नामुमकिन है पापा। नामुमकिन था पापा, आपके बिना मेरा होना। I love you, पापा। पापा, आपके लिए कुछ भेज रहे हैं। जिस तरह सालों साल आपने हमारा ख्याल रखा, उसी तरह ये आपका ख्याल रखेगा। जिन पैरों ने मेरे लिए इतनी एरिया घिसी है, उनका ख्याल रखना तो बनता है ना। इस वीडियो को पापा के लिए 60 के लाइक्स तक तो पहुंचा ही दो यार। मम्मी के लिए तो हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, पर ये हमें अपने पापा के लिए करना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब टू बिंज।